करगिल वॉर हीरोज़ की ये कहानियाँ आपको कैसी लग रही हैं हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। ये सच्ची और मोटिवेशनल कहानियाँ लगातार हम सब के लिए एक प्रेरणा का स्रोत हैं। आज की कहानी में बात करेंगे लेफ्टिनेंट किशिंग किलफोर्ड नोग्रम की। लेफ्टिनेंट किशिंग किलफोर्ड नोग्रम का जन्म मार्च 1975 में शिलोंग मेघालय में किशिंग पीटर और सेली नोग्रम के यहाँ हुआ था। बटालिक सेक्टर में पॉइंट 4812 पर कब्जा करने के ऑपरेशन में उन्हें दक्षिण पूर्वी दिशा के फ्यूचर पर हमला करने का काम सौंपा गया था। क्या आप जानते हैं कि उन्होंने अपने कॉलम को लगभग असंभव खड़ी चट्टान के फ्यूचर पर नेतृत्व किया। दुश्मन अपनी स्थिति में उलझा हुआ था और तोपखाने की आग से भी अछूता रहा। दुश्मन ने लेफ्टिनेंट किशिंग किलफोर्ड नोग्रम के स्तंभ को लगभग 2 घंटे तक स्वचालित गोलाबारी की। इन सबके बावजूद उन्होंने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा को देखे बिना उसमें हथगोले फेंके और दुश्मन के 6 सैनिकों को मार गिराया। फिर उन्होंने दुश्मन से यूनिवर्सल मशीन गन छीनने की कोशिश की जिसमें उन्हें गोलियां लगी। लेफ्टिनेंट का साहस देखकर दुश्मन दंग रह गया। अपनी चोटों को देखे बिना वह तब तक बहादुरी से लड़ते रहे जब तक उन्होंने दम नहीं तोड़ा और इसी के चलते पॉइंट 4812 पर अंतिम कब्जा संभव हो सका। उन्हें मरणोपरांत भारत के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित किया गया।